तो हे गाइस, अनबॉक्सिंग फॉरएवर की एक और नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में अपन स्पीड टेस्ट करने वाले हैं पोको X2 730G का रियलमी 8 प्रो 720G के साथ। सो चलो यार, फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो एक्साइटेड, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। चैनल पे ऐसी क्वालिटी टेक वीडियोज आती रहती है, रियल रिव्यूज आते रहते हैं, आपके लिए काफी सारी मेहनत होती है। तो यार, चैनल पे सपोर्ट दिखा सकते हो। अपने 1,00,000 सब्सक्राइबर्स का एम है इस साल, तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना साथ में। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना, 500 लाइक्स आए हैं। और मुझे इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हो, @RaghavBhatiRV। सो गाइस, सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं पावर ऑफ से, मतलब रीस्टार्ट से अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे मैं रीबूट पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो 1, 2 और 3। सो गाइस, रियलमी 8 प्रो में स्क्रीन पहले आ चुकी है, दोनों रीबूट पे लगे हुए हैं। देखते हैं पहले कौन स्टार्ट होता है। यहाँ पे Realme 8 Pro काफी जल्दी हो गया है और Poco X2 अभी तक मतलब ओपन ही नहीं हुआ। तो गाइस, जब तक ये स्टार्ट होता है तब तक मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि मैंने क्या सेटिंग्स की है। यहाँ पे मैंने वाईफाई कनेक्ट कर रखा है, स्काईनेट सिम कोई भी नहीं डली हुई है, रिंग चालू कर रखी है एंड लोकेशन स्टार्ट है। और गाइस, जो ब्राइटनेस वो 75 के आसपास है। तो ये सेटिंग्स अपन दोनों फोन में रखने वाले हैं और ये एप्स होंगे। और ये गाइस इतना स्लो इसलिए स्टार्ट हो रहा है क्योंकि भाई Poco ने ऐसे ऐसे अपडेट्स दिए इस फोन में कि इसकी जो स्पीड है वो इतनी डाउन चली गई है कि क्या ही बताऊं। मतलब बहुत बग्स है इस फोन में अब तो देखते हैं कितनी देर और लगाता है ये फोन। सो गाइस, यहाँ पे हमारा Poco X2 स्टार्ट हो गया, आप देख सकते हो। और इसे भी अपन फटाफट से ओपन कर लेते हैं। सो गाइस, यहाँ पे मैं आपको सेटिंग्स दिखा देता हूँ। वाईफाई कनेक्टेड है, लोकेशन ऑन है एंड इसको अपन एरोप्लेन मोड नहीं करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ब्राइटनेस वो 75 के आसपास है। सो गाइस, सबसे पहले अपन करते हैं रीड एंड राइट स्पीड टेस्ट। तो ये अपन टेस्ट करेंगे N22 बेंचमार्क वाली एपीके से। यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल जाता है स्टोरेज टेस्ट का, स्टोरेज टेस्ट। यहाँ पे हमें रिजल्ट मिल रहा है लेकिन अपन इसे स्टार्ट अगेन करेंगे और देखते हैं कौन पहले रिजल्ट बताता है। तो यहाँ पे स्टार्ट अगेन। सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो अभी तक 10% हुआ है और इसने अपने रिजल्ट शो कर दिए हैं यहाँ पे। और Poco X2 काफी स्लो हो रहा है। दोनों में हमें LPDDR4X रेम देखने को मिलती है, दोनों में 6GB रेम है, सब कुछ सेम है, इनका GPU भी सेम है, Adreno 618 है दोनों में GPU। लेकिन तो भी स्पीड में काफ़ी डिफरेंस है। प्रोसेसर बल्कि इसका बेटर है, 730G है, इसमें 720G है, लेकिन ये काफ़ी फास्ट वर्क कर रहा है और ये अभी भी बहुत स्लो है। सो गाइस, यहाँ पे हमारा Poco X2 है वो भी अपने रिजल्ट शो कर चुका है। अब अपन देखते हैं रिजल्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफी डिफरेंस है, मतलब इसका जो रिजल्ट है वो 24,000 है और इसका 10,000 है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें भी मतलब सब जगह पे Poco X2 डाउन है, मतलब 730G काफी डाउन है। और जो Realme 8 Pro वो काफी अच्छा वर्क किया, इसने रिजल्ट भी काफी जल्दी शो किए। यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, सेम UFS 2.1 है दोनों में, लेकिन रीड एंड राइट स्पीड में बहुत डिफरेंस है, मतलब बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। तो गाइस, जो रीड एंड राइट स्पीड टेस्ट था उसमें क्लियर विनर हमारा Realme 8 Pro रहा। अब अपन ऐप ओपनिंग स्पीड टेस्ट करते हैं। अब अपन Amazon से स्टार्ट करते हैं। तो 1, 2 और 3, और यहाँ पे Amazon इसमें पहले लोड हुआ। तो यहाँ पे Amazon पहले Realme 8 Pro में स्टार्ट हुआ। और अब अपन Flipkart में चलते हैं। तो 1, 2, 3, और Flipkart भी इसमें पहले लोड हुआ है और अभी तक ये मतलब बफरिंग ही कर रहा है, बैक आ जाते हैं अपन और इसमें अब लोड हुआ है। तो काफी गैप रहा है Flipkart लोड होने में। यहाँ पे अपन स्विगी करते हैं। तो 1, 2, 3, तो स्विगी भी Realme 8 Pro ने पहले लोड किया है। स्विगी में अपन एक मतलब रेस्टोरेंट स्टार्ट करके छोड़ देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो जो कुबेर कोटेज है उसको अपन स्टार्ट करके छोड़ देते हैं और अब आ जाते हैं अपन बैक। अब अपन फेसबुक को स्टार्ट करते हैं। तो 1, 2, 3, और फेसबुक इसमें पहले स्टार्ट हुआ है, मतलब थोड़ा सा बेटर फेसबुक इसमें पहले स्टार्ट हुआ है, मतलब वैसे तो सेम था लेकिन थोड़ा सा X2 में पहले हुआ है। तो यहाँ पे 3-1 हो गया है। अब अपन इंस्टा करते हैं। तो 1, 2, 3 एंड इंस्टा यहाँ पे पहले स्टार्ट हुआ है। तो 4-1, और इंस्टा पे अपन कोई पोस्ट स्टार्ट करके रख देते हैं, जैसे कि मेरी प्रोफाइल की कोई पोस्ट स्टार्ट कर देते हैं अपन, और जैसे कि ये कर देते हैं। तो ये पोस्ट अपन ने चालू करके छोड़ दिया है। अब अपन बैक आ जाते हैं और अब अपन चलते हैं ट्विटर में। तो 1, 2, 3 एंड ट्विटर, यहाँ पे रियलमी में पहले स्टार्ट हुआ। तो रियलमी एकदम क्लियर आगे चल रहा है, 5-1 हो गया है यहाँ पे। अब अपन यूट्यूब पे चलते हैं। तो 1, 2, 3 एंड यूट्यूब भी यहाँ पे, YouTube Music Realme 8 Pro में पहले लोड हुआ है। अब अपन Google में चलते हैं। तो 1, 2, 3 एंड Google भी यहाँ पे पहले लोड हो गया है। गाइस, Google ने अपन ने ये वेबसाइट लोड करके छोड़ दिया। अब अपन आ जाते हैं बैक। अब अपन चलते हैं Gmail में। तो यहाँ पे 1, 2, 3 एंड यहाँ पे दोनों सेम सा रहा, लेकिन इस बार मैं पॉइंट दूंगा Poco X2 को।
अब मैप्स की तरफ चलते हैं, तो 1, 2, 3 एंड मैप्स, यहाँ पे पोको एक्स टू ने पहले लोड किए, तो एंड फाइल्स 1, 2, 3 एंड गूगल फाइल्स पहले इसमें लोड हुए। तो यहाँ पे गैलरी दोनों की अलग अलग, इसमें MIUI की गैलरी है, इसमें रियलमी की गैलरी है, लेकिन देखते हैं कौन पहले लोड करता है। तो 1, 2, 3 एंड पोको हार गया, रियलमी जीत गया। अब अपन Among Us ट्राई करते हैं, तो 1, 2, 3 एंड अब देखते हैं Among Us पहले किसमें लोड होता है। तो यहाँ पे अभी तक तो सेम चल रहा है, तो पोको एक्स टू ने Among Us को पहले लोड कर दिया, रियलमी 8 प्रो अभी तक Among Us को लोड नहीं कर पाया है, अब किया रियलमी 8 प्रो ने। अब अपन कॉल ऑफ ड्यूटी को चेक करते हैं, तो यहाँ पे ये जो दो ही गेम को मैंने ऐड किया, पबजी ऐड करने वाला था मैं, लेकिन मैंने स्किप कर दिया उसको। अब 1, 2, 3 यहाँ पे आप देख सकते हो कि शुरू में पोको एक्स टू आगे था कॉल ऑफ ड्यूटी में, ऑटो लॉगिन तक पोको एक्स टू आगे था, जो एंड वाली लोडिंग होती है लॉगिन के बाद उसमें रियलमी 8 प्रो ने बीट कर दिया पोको एक्स टू को। तो यहाँ पे कॉल ऑफ ड्यूटी रियलमी 8 प्रो में पहले लोड हुआ और पोको में अब तक लोड ही हो रहा है, मतलब भाई क्या ही करें अब इनका। सो गाइस अब अपन करते हैं नेटवर्क स्पीड टेस्ट कि कौन मतलब फास्ट नेटवर्क हमें देता है, सेम वाईफाई है। अब अपन इस ओकला स्पीड टेस्ट में चलते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, सेम वाईफाई है। अब 1, 2, 3 गो और यहाँ पे देखते हैं कौन ज़्यादा Mbps देता है हमें। तो गाइस जो रिजल्ट है वो हमारे सामने आ गए हैं, एक में पोको ने बीट कर दिया और एक में रियलमी ने बीट कर दिया। तो गाइस जो डाउनलोड स्पीड है वो पोको एक्स टू की ज्यादा है 3 Mbps रियलमी 8 प्रो से, और जो अपलोड स्पीड है वो रियलमी की ज्यादा है पोको एक्स टू से 13 Mbps, यहाँ पे आप देख सकते हो 36 और 23, तो काफी डिफरेंस देखने को मिला है अपलोड स्पीड में हमें। अब अपन रैम मैनेजमेंट को चेक करते हैं कि रैम मैनेजमेंट कैसा है इन दोनों फोन का। ये वाला फोन काफी ज्यादा पुराना हो चुका है और पोको ने ऐसे ऐसे अपडेट देके इसको इतना स्लो कर दिया कि भाई क्या ही बताएं, इतने बग्स है इस फोन में, लेकिन ये फ्रेश है। लेकिन इससे अपने को एक अंदाजा हो सकता है कि 720G और 730G कैसे वर्क करते हैं। अब अपन रैम मैनेजमेंट चेक करते हैं, तो दोनों में अपन प्रेस कर देते हैं। सबसे पहले अपन Amazon में चलते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो Amazon 1, 2, 3 और दोनों ने फिर से लोड किया है यहाँ पे, और Flipkart इसने फिर से लोड किया और इसने भी फिर से लोड किया है। अपन आ जाते हैं स्विगी में, स्विगी में अपन ने एक रेस्टोरेंट ओन करके छोड़ा था, तो देखते हैं वो ओपन मिलता है क्या हमें। तो यहाँ पे इसमें पहले स्टार्ट हो गया और इसमें भी ओपन है। अब अपन चलते हैं इंस्टा में, इंस्टा में ये वाले पोस्ट ओपन थी दोनों फोन में, तो देखते हैं 1, 2, 3 एंड इसमें लोड हुई नहीं है एकदम, मतलब रैम में रही है, इसमें एकदम लेटेस्ट पोस्ट शो हो रही है। पॉइंट और यार मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लो @RaghavBhatiRV, वहाँ पे आ जाओ, सपोर्ट दिखाओ वहाँ पे। ट्विटर अपन करते हैं, तो ट्विटर यहाँ पे मतलब रैम में था लेकिन यहाँ पे फिर से लोड हुआ है। और YT म्यूजिक, तो YT म्यूजिक भी दोनों में फिर से लोड हुआ है। अब देखते हैं कौन वापस लोड करता है इस पेज को, तो वापस स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे इसमें रैम में रहा है लेकिन यहाँ पे लोड हुआ है। Among Us में चलते हैं, देखते हैं Among Us किस में वापस लोड होता है। तो 1, 2, 3 और यहाँ पे दोनों ने ही Among Us को वापस से लोड किया। अब रैम मैनेजमेंट की बात करें तो ओवरऑल दोनों का ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन अगर दोनों का कंपटीशन करें तो रियलमी 8 प्रो का रैम मैनेजमेंट ज्यादा अच्छा है। ये फोन बहुत ज्यादा पुराना हो चुका है, बहुत अपडेट आ चुके हैं इसमें, इसमें अभी तक 3 ही अपडेट आए हैं, तो वैसे भी इस फोन से ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी मेरे। सो गाइस जो 5 टेस्ट अपन ने किए हैं, सबसे पहले अपन ने रीस्टार्ट वाला किया, सेकंड अपन ने रीड एंड राइट स्पीड वाला किया, थर्ड अपन ने ऐप ओपनिंग किया, फोर्थ अपन ने नेटवर्क स्पीड टेस्ट किया और फिफ्थ अपन ने रैम मैनेजमेंट किया। पांचों में क्लियर कट विनर रियलमी 8 प्रो है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को जो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी प्रेस करना, क्योंकि 1 लाख सब्सक्राइबर्स का एम है। सब्सक्राइब करो, सपोर्ट दिखाओ, शेयर करो, इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हो @RaghavBhatiRV। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो में, बाय।